कैसे आप सर? मैडम, हम मुकेश सर में आज कोई नए वीडियो के साथ में। तो काफ़ी सारे लोगों ने यार इंस्टाग्राम पर कमेंट किए, और एक भाई साहब ने यहाँ पर कमेंट किया था कि हम अपने जो हमारा ब्लॉगर का अकाउंट है उसकी अर्निंग सेक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो उनका पुराना वाला एक डिसेबल्ड एडसेंस था वो उनकी अर्निंग सेक्शन के अंदर उसका POV ID शो कर रहा है, और उनका जो नया वाला एडसेंस है उस अर्निंग बटन के ऊपर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। मतलब कि जो पुराना वाला एडसेंस POV है वो शो कर रहा है ब्लॉगर के अंदर, ब्लॉगर के अर्निंग सेक्शन के अंदर, और जो नया एडसेंस है, जो एक्टिव एडसेंस है जिससे अर्निंग होती है, वो शो नहीं कर रहा है। तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? बने रहें इस वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना और सपोर्ट करना हमारे चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट एक लाइक आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलो आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो अर्निंग का सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई दूसरा एडसेंस का POV यहाँ पर शो कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर कनेक्ट एडसेंस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस एडसेंस से कनेक्ट हो जाएगा। हालाँकि जो हमारा एडसेंस का POV है वो दूसरा है, और जो हमारा एडसेंस अकाउंट है वो भी दूसरा है। तो हम अब यहाँ पर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, अपने नए वाले एडसेंस के ऊपर कैसे इसको लेकर के जा सकते हैं, तो इसी के बारे में आज आपसे मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको कनेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट कर भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हालाँकि अभी प्रॉब्लम ये है कि एक ही जीमेल, इसी जीमेल आईडी के ऊपर ये हमारा ब्लॉग भी है, और इसी जीमेल की आईडी ये वाला यहाँ पर POV आईडी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला एडसेंस इसी से कनेक्टेड है, इसलिए इसने डायरेक्ट यहाँ पर फेच कर लिया है। तो अब हमें इस ब्लॉग को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे मेल के ऊपर। उसके बाद हमें, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ बने रहना इस वीडियो के अंदर। तो हमें आना सेटिंग्स के अंदर, और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा इनवाइट मोर ऑथर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवाइट मोर ऑथर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ये जो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉगर के नए वाले इंटरफेस के साथ में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको उस जीमेल का अकाउंट है, यहाँ पर जो जीमेल आईडी है उसको आपको टाइप कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर टाइप किया और इसके बाद कर दिया एंटर। उसके बाद हमें यहाँ पर सेंड का एक बटन देखने को मिल जाएगा, ये सेंड पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग सेव्ड है। तो यहाँ पर पेंडिंग में अभी ऑथर दिखा रहा है। अब हमें अपने आना है अपनी मेल आईडी के अंदर, और मेल आईडी के अंदर आपको हमें देखना पड़ेगा उससे जो कि यहाँ पर आपने अभी इस मेल के अंदर हमें एक मेल देखने को मिल जाएगा। तो चलो हम उसको मेल को खोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मेल बॉक्स खोल लिया है, और अब यहाँ पर आपको 3 डॉट को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। और उसके बाद थोड़ा लोड होने के बाद आपको यहाँ पर आना है स्पैम के अंदर। स्पैम के अंदर इस तरीके के मेल्स आते हैं। स्पैम के अंदर आपको आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये वाला यू हैव इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू मुकेश पटेल, जो कि हमने अभी अभी मेल अभी भिजवाया था, वो मेल हमें यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद हम इस एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक करके उस ब्लॉग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि वो ब्लॉग आपके नए वाले इसी मेल के अंदर आपको अब ओपन यहाँ पर हो जाएगा। उस मेल पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक कर लेना है, और देख लेना है कि यही मेल आईडी है या फिर नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खुल चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर लिमिटेड परमिशन देखने को मिल रही है। अब हमें दोबारा से आना है उसी ब्लॉग के अंदर, और इसको एक बार कर देना है रिफ्रेश। ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर पेंडिंग ऑथर्स एक बताया था, अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। और ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने नया जीमेल आईडी ऐड किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और अभी ऑथर है तो ये जीमेल जो अभी नया ऐड किया उसके ऊपर लिमिटेड परमिशन रहेगी। अब हमें यहाँ पर कर देना है एडमिन। एडमिन करने के बाद सेव कर देंगे तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आसानी से, और आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। तो ये मुकेश पटेल .com इसको आप हटा देना है और सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एडसेंस का POV था वो उससे डिसकनेक्ट होकर नए वाले एडसेंस के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ब्लॉग नहीं बचा है। अब हम आते हैं अपने जो कि हमने अपनी नई मेल है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया था। अब हमें यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी परमिशंस अब हमें देखने को मिल जाएगी। अर्निंग वाली भी हमें यहाँ पर देखने को यू भी है।
जो पिछला वाला POV ID था वो यहाँ पर हट चुका है और जो नया वाला POV ID है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने AdSense अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो बस यही आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करना, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम कमेंट कर रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।